कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फेस स्मूथ करने का सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हेयर को कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को ऐड कर लेना होगा। और ऐड करने के बाद गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी मॉडल को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गाइज ऐड फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और ऐड फोटो पर क्लिक कर लेने के बाद जो हमारी मॉडल है गाइज हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारी ये वाली फोटो है तो इसका बैकग्राउंड इरेज किया हुआ नहीं है, वन क्लिक में ही इसको मैं इरेज करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग फोटो की साइज़ को बड़ा कर लेते हैं और इस प्रकार से थोड़ा सा इसको साइज़ को हम लोग बड़ा रखेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। और गाइज हम लोग वन क्लिक में ही इसकी बैकग्राउंड को जो है रिमूव करेंगे, तो यह आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ इरेजर पर क्लिक करेंगे और इरेजर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लाइंस मिल रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक पार्सन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप लोग गाइज इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है बैकग्राउंड फोटो की जो बैकग्राउंड है एक क्लिक में ही यहाँ पर से रिमूव हो जाएगी। आप लोग भी जैसे रिमूव कर लीजिएगा। और यहाँ से रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ से कर देंगे राइट, और राइट करने के बाद गाइस जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करने के बाद जो है यहाँ से हम लोग फिर से अगेन कर देंगे राइट। और दोस्तों यहाँ से राइट करने के बाद अब हम लोगों को काम शुरू होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद गाइज हमारी जो हेयर वाली जो PNG है तो उसको हम लोग सिंपल तरीके से गाइज ले लेंगे। इसको लेने के बाद यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे गाइज, और इसे यहाँ इस तरह से रोटेट कर लेंगे। और गाइज रोटेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है इसे कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर दिख ही पा रहे हो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख ही पा रहा है कि इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर इस तरह से गाइज लगाने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसकी साइज़ को थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। और इस तरह से आप लोगों को लगा लेना है। और इस तरह से गाइज हम लोग इसको लगाने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को इरेजर पर क्लिक करना है। और इरेजर पर क्लिक करने के बाद फिर से इरेजर पर यहाँ नीचे क्लिक करना है और इसकी साइज हार्डनेस वाली ऑप्शन को थोड़ा सा कम कर लेना है। और गाइज फोटो को जूम करना है कुछ इस प्रकार से, और फोटो को जूम करने के बाद गाइज यहाँ से हम लोग इस तरह से हल्का हल्का करके चलाएंगे, और ज़्यादा नहीं चलाना है गाइज, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही चलाना है। और यहाँ पर से हम लोग कुछ इस तरह से इसको चलाएंगे हल्का सा, और चलाने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा और हम लोग साइड में भी इसको इस तरह से इरेज कर लेते हैं। और थोड़ा सा गाइस इरेज करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से गाइस करना पड़ेगा राइट, और राइट करने के बाद गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको कर देंगे राइट। और दोस्तों यहाँ से राइट करने के बाद अब हमारी यहाँ से जो है काई काम जो खत्म हो चुके, तो अब हम लोग इसको लेकर के चलेंगे स्नैपसीड के अंदर, वहाँ पर हम लोग जो है इसकी कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे गाइस। तो हम लोग ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रॉ का एक ऑप्शन आ जाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे। और ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ये वाली फोटो जो है यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार की पेज ओपन होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आप लोगों को सेव इमेज कर देना है, तो आप लोगों की ये वाली फोटो गैलरी के अंदर आ जाएगी। तो अब हम लोग इसको लेकर के चलते हैं स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो आप गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी जो फोटो है स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद गाइस हम लोगों को एक सिलेक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे। और गाइस क्लिक करने के बाद अपने हेयर के ऊपर कुछ इस टाइप से रखेंगे, एंड रखने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा गाइस, और इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी हम लोग कम कर लेंगे, और थोड़ा सा इसकी जो नीचे वाली सिचुएशन वाली ऑप्शंस को भी कम कर लेंगे गाइस, और इसकी नीचे वाली ऑप्शंस को भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे। एंड इस तरह से हम लोग को पंच करके छोटा करना पड़ेगा, और देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर आपकी फ़ोटो नज़र आ रही होगी। तो गाइस हम लोग यहाँ से कर देंगे राइट, और राइट करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने का सिचुएशन वाले ऑप्शंस पर आएंगे, और आने के बाद गाइस हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम करेंगे अपनी फोटो को, और लिप्स पर ये वाली ऑप्शंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं तो आपकी फोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहाँ से करेंगे गाइस राइट, अब हमारी यहाँ से भी काम खत्म हो चुकी है। अब हम लोग इस फोटो को लेकर के चलेंगे लाइटरूम मोबाइल के अंदर, वहाँ पर एक प्रीसेट का यूज़ करके और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वहाँ पर हम इस फोटो को बनाएंगे। तो सबसे पहले इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, और इस फोटो को हम लोग लेकर के चलते हैं लाइटरूम मोबाइल के अंदर। तो आप लोगों को गाइस इस तरह से शेयर करना होगा,
और अगर आप लोगों के पास नहीं है डाउनलोड तो आप लोग नीचे लिंक पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लाइटरूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फोटो है यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन में जाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों को ऊपर से इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा फ़ोन को, और स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो है लोडिंग ले रही है, और लोडिंग लेने के बाद गाइस यहाँ पर आ चुकी है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, लाइटरूम के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम लोग अपने लाइटरूम मोबाइल के अंदर आ जाएंगे। तो अंदर आने के बाद गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑल फोटोज़ पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर अपनी ये वाली प्रीसेट को ओपन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हमारी जो प्रीसेट है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले इसके थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों के कॉपी सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से गाइस हम लोग कर देंगे राइट। तो क्या होगी गाइस कि हमारी जो ये वाली प्रीसेट है कॉपी हो जाएगी। तो अब हम लोग अपनी ओरिजिनल फोटो पर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमारी ये वाली जो फोटो है यहाँ पर आ चुकी है, तो इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर से पेस्ट सेटिंग कर देंगे, और जैसे ही पेस्ट सेटिंग करेंगे गाइस तो वन क्लिक में आपकी पूरी की पूरी फोटो यहाँ पर एडिट हो जाएगी, जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है। तो इसको सेव कैसे करेंगे गाइस, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देंगे। तो दोस्तों हमारी ये वाली फोटो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह की एडिटिंग जैसे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मेरी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।